होता है सुप्रीम गोल। मनुष्य जीवन का सबसे गोल क्या होता है? सुप्रीम, परम चेतना, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड। आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, बट द एंटिटी इज द सिंगुलर। गॉड कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। गॉड इज इंडिविजिबल इटरनल एंटिटी। उनको न तोड़ा जा सकता है, न उसको खंडित किया जाता है। ईश्वर तो अनादि अनंत है। वो अनादि अनंत से हम आए हैं, अनादि अनंत में ही तो मिल जाना है। वहां से आए हैं, वही मिल जाना है, वही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए बोला जाता है सुप्रीम गोल। दूसरा है यू। जब मनुष्य परमात्मा को अपना ध्येय बना लेते हैं, नेचुरली स्वाभाविक रूप में उनका मन का विस्तार हो जाता है, मन में संकीर्णता खत्म हो जाती है। वो मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मैं जापानीज हूं, मेरा जापान अच्छा है, अमेरिका मेरा देश है, अमेरिकन मैं अच्छा हूं, हिंदुस्तान मेरा देश है, मैं हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। वो नहीं कहेगा, वो ही कहेगा हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम, परम पुरुष इज माई फादर, परम प्रकृति इज माई मदर, ऑल द प्लेसेस ऑफ दिस यूनिवर्स आर द सेंटर ऑफ आवर्स। श्रीमंतु विषय अमृतस्य पुत्रम, हम सृष्टि में अमृत के पुत्र संतान संतति है। अगर सचमुच में हम परमात्मा के संतान है तो हमारी अभिव्यक्तियां क्या पशु जैसा होगा? हमारी संस्कृति पाशविक होगी? ऑफकोर्स नॉट। इसलिए सही मायने में अगर मनुष्य बनना है तो मनुष्य को जीवन में आध्यात्मिकता को लाना ही होगा। आध्यात्मिकता ही योग संस्कृति है। योग की संस्कृति हमारी भारत की सही संस्कृति है। इसलिए छोटे बच्चे 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग सबको योग अभ्यास, योग साधना, योग आसन करके ही मनुष्य अपने आप को संयमित कर सकते हैं। आप लोग सोचते हैं हम लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए, और बाबा जी प्रवचन दिए जा रहे हैं। ये प्रवचन ताली से कभी महान काम नहीं होता है। ताली सुनने के लिए भी मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे भाषा आपके कानों में गया, अगर आप अपने दिमाग में समझ गए कि आपको क्या करना चाहिए, तो ताली नहीं बजाएंगे, वो अपने जीवन में उतारेंगे। बिकॉज एक्शन इज ऑलवेज लाउडर देन द वॉइस। भाषण देना बड़ी बात नहीं होती है, अपने जीवन में उतारना वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आनंद मूर्ति कहते हैं एजुकेटेड इज ही हु हैज लर्न मच, रिमेंबर्ड मच एंड मेड यूज ऑफ देम इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, देयर वर्च्यू आई शैल कॉल बाय द नेम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा किताब से रटा हुआ विद्या नहीं होता है। शिक्षा आपने कितना किताब पढ़ा, कितना याद किया और कितना अपने जीवन में उतारे हैं, जितना अपने जीवन में उतारे हैं वही शिक्षा है, बाकी कूड़े दान का कूड़ा है। डस्टबिन, आपने 50 किताब पढ़ लिया लेकिन किताब का ज्ञान बहुत है, उसको सिगरेट फूंकते हैं, जीव हत्या करते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, फिर आपके वो किताबी ज्ञान का मूल्य कितना है? इसलिए मैंने कहा जो ज्ञान जीवन में नहीं उतारा वो ज्ञान कूड़े दानी के कूड़े का समान है। सो एजुकेटेड इज ही हु हैज लर्न्ड मच, रिमेंबर्ड मच इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, देयर वर्च्यू आई शैल कॉल बाय द नेम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का गोल ही होता है सुप्रीम। और सुप्रीम जब मनुष्य का आधार बन जाएगा, मनुष्य के मन में सारी संकीर्णताएं सब खत्म हो जाएगी। हमारे गुरु ने भी एक गाना दिए हैं, 5,018 संगीत दिए हैं, आपके बच्चे लोग आए होंगे, उसमें एक गाना है अमर जो तो मलिनता छोड़िए दाओ प्रभु आज के काज करे जेते ध्यान धरे जेते आओ मोरे पर भय प्रतिफल के। मतलब हे ईश्वर मेरे मन में जो मलिनताएं हैं, जो गंदगी है, जो संकीर्णताएं हैं, प्लीज इसको खत्म कर डालिए अपने ज्ञान।
प्यार के प्रकाश से, क्योंकि मैं आपका यंत्र हूं। इसलिए मैंने कहा यू फॉर यूनिवर्सल आउटलुक, जिसका जीवन परमात्मा है उनका। रेशनल का मतलब क्या होता है? विवेक से काम लेना। आर फॉर रेशनल, विवेक से काम लेना। जिस इंसान का विवेक मारी गई हो, जिस इंसान का अकल खत्म हो गई हो, वो इंसान कैसा? वो तो दानव से भी, विशाल से भी बदतर होता है। इसलिए मनुष्य जो होगा वो सोच समझ के, जज करके, राइट एंड रॉन्ग जज करके आगे बढ़ेगा, वही है रेशनलिस्टिक व्यू। संस्कृत में है, हिंदी में है, मैथिली में है, मगही में है, उर्दू में है। इस तरह से 12 लैंग्वेज में हमारे गुरुदेव ने 5018 संगीत, जो मानव जाति के संस्कृति को एनरिच किया है, घनी बनाया है। मैं तो चाहूंगा अगले बार जब ये प्रोग्राम हो तो आप लोग सिर्फ प्रभात संगीत में डूब जाए, प्रभात संगीत को समझे, जिसका नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। आप जानते हैं वो बैठ के सिर्फ संगीत नहीं लिखे हैं, वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है, जिन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के विरुद्ध में एक नया दर्शन दिया, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव इक्वलाइजेशन थ्योरी। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, लिटरेचर, बायोसाइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बच्चों के शिशु साहित्य, ग्रामर, कह सकते हैं जैसे किसी दर्शन की भाषा में जाना है तो दार्शनिक डिपार्टमेंट में जाए, अगर आपको कल्चर जानना है तो कल्चर के डिपार्टमेंट में जाए, भाषा जानना